नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि डायबिटीज का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, ज्योतिष इसमें आपकी मदद कैसे कर सकता है डायबिटीज को कंट्रोल करने में, डायबिटीज के लक्षण आप कैसे ज्योतिष के जरिए पहचान सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि डायबिटीज का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। पंडित जी, आजकल ये डायबिटीज की बीमारी लगातार बढ़ रही है हमारे देश में भी, तो ज्योतिष के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ज्योतिष से इसका क्या संबंध है? डायबिटीज़, जिसको आम तौर पे लोग शुगर कहते हैं या मधुमेह कहते हैं, ज्योतिष में इसके बारे में भी बहुत अध्ययन किया गया और बहुत सारे निष्कर्ष निकाले गए हैं। देखिए, आपका जो शरीर है वो जिन ग्रहों से संबंध रखता है, उन ग्रहों की समस्या होने पर उस ग्रह से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शरीर में अगर विशेष रसायन इंसुलिन अगर कम हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल पैदा होती है और शरीर में डायबिटीज की स्थितियां बन जाती हैं। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व और रसायन के कारण होते हैं। शुक्र के बारे में कहा जाता है कि जिन बीमारियों में प्यास ज्यादा लगती है, जैसे किडनी की समस्या है, जैसे डायबिटीज की समस्या है, उसमें शुक्र की भूमिका ज्यादा होती है। बृहस्पति पाचन तंत्र का स्वामी होता है, तो बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, इन तीनों में से कोई एक भी कमजोर हो या खराब हो तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। जब भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो या वक्री हो, तो डायबिटीज होने की संभावना बन जाती है। जब चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो तनाव के कारण डायबिटीज हो जाती है। यानी मुख्यतः दो कारणों से डायबिटीज होती है, एक शारीरिक कारण जिसके लिए बृहस्पति और शुक्र जिम्मेदार हैं, और एक होता है मानसिक कारण जिसके लिए ज्यादातर चंद्रमा जिम्मेदार होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।